बिजावर से सपा के निष्कासित विधायक राजेश शुक्ला की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव आयोग ने निष्कासित विधायक राजेश शुक्ला को चुनाव घोषणा पत्र में जानकारी छुपाने का नोटिस भेजा है। वहीं विधायक का कहना है कि चुनाव आयोग के नोटिस का उनके द्वारा जवाब दे दिया गया है। छतरपुर के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला की मुसीबत चुनाव आयोग के नोटिस के बाद और बढ़ गई। सपा विधायक को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उनके द्वारा बनाई गई कंपनी की जानकारी चुनाव घोषणा पत्र में छिपाने का जवाब मांगा गया है। यह शिकायत बिजावर के पूर्व प्रत्याशी राम प्रसाद पटेल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से की थी, जिस पर जिला निर्वाचन आयोग ने 7 दिन के अंदर उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में शुक्ला का कहना है कि वे कंपनी में हिस्सेदार जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई और उन्होंने आयोग को जवाब भी दे दिया है। यदि वे संतुष्ट नहीं है तो फिर उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। तो नोटिस आया, उसका मैंने जवाब भी दे चुका हूँ और उसमें आरोप लगाया कि मैं जय मां कंस्ट्रक्शन कंपनी में 15% पार्टनर था। मैं स्वीकार करता हूँ कि उसमें था, लेकिन जिसने आरोप लगाया है, मैं समझता हूँ उसको आरोप लगाने का तरीका ही समझ में नहीं आया और वो अज्ञान है अपनी तरफ से। मैंने उसने कहा राशि छुपाई है तो उसमें सीए के द्वारा जो चार्जशीट दी गई है मैं बना के, उसमें हमने जो भी रकम उस कंपनी में लगाई है वो फार्म में अपनी दर्शाई है, और यदि हमने छुपाया है तो मैं उस कार्रवाई के लिए भी तैयार, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और जो उन्होंने जवाब मांगा था मैंने दिया है। जिस आदमी को जो भी अभी ज्ञान नहीं है कि किस मशीन से चुनाव होता है, उसने ईवीएम की जगह ईएमई मशीन लिखा है कि ईएमई मशीन में गड़बड़ किया गया है, और एक अनुभागीय अधिकारी पर भी आरोप लगाया कि जो अनुभागीय अधिकारी थे उनके द्वारा पुष्टि की गई है। यदि अनुभागीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई होती तो पहले ही दिन ही कार्रवाई हो जाती, आज 2 साल होने को है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।